दोस्तों आज हमारी कहानी है बीबी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपनी महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर घर के नजदीक छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत लड़की कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीबी है यह? तो बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीबी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज शाह को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज हमारा एक काम है, हमारा यह खतीरा के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर वापस आ गया और खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल ए मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइल्म की बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और अहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीबी ने कहा, कौन है? तो बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला, बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीबी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? तो बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीबी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, आपके इस तरह आने से जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीबी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह है, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को जितनी भी भूख लगी हो वह मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने जूती वही भूल गया। यह सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया वह तो घर पर ही छोड़ आया। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुँचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे बादशाह के जूती पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सिर चकरा कर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करके बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 10,000 रुपए दिए। फिरोज रुपए लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तहाइफ भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, यह क्या है? तो उसने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी, जैसे आप चाहे। बीबी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुए। दामाद और बेटी और उनके द्वारा लाए गए तहाइफ को देखकर लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीबी को छोड़कर वापस आ गया और एक महीना गुजारने के बावजूद न पूछा और न ही उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें अपनी बीबी से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे उसका कोई ऐसा हक बाकी नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वह लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को भी सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सर कब्ज बाग दरख्त फलों से भरा हुआ और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जह होकर पूछा, हाँ तो लड़के तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसा पहले था? हाँ, वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं।
काजी ने कहा, फिरोज तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब मैंने बाग किसी बुग्ज या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में गया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए शेर के इकराम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए सब कुछ सुन रहा था उठ कर बैठ गया और कहा, फिरोज अपने बाग की तरफ अमन और मुतमइन होकर जाओ, अल्लाह की कसम इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग आया था, लेकिन वह वहाँ पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना ही पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहाँ पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया और खुदा की कसम मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के इर्द गिर्द लगी मजबूत दीवार नहीं देखी। फिरोज अपने घर वापस लौट आया और अपनी बीबी को भी वापस बुला लाया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज को छुपाना कि लोगों को पता न चले, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर न होने दें। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी मिलती है।